देखिए, मैं छात्र जीवन से ही बुद्धिज्म बुद्धवाद को पढ़ता रहा हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ, प्रभावित हूँ बुद्ध के विचारों से। सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने कहा कि मैं धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने दिया, आचार संहिता दिया, पंचशील हो, अष्टांगिक मार्ग हो, कोई धर्म की चीज़ नहीं है कि हर मनुष्य को चाहे जो भी हो जहाँ भी हो उसको मानना चाहिए, पंचशील का पालन करना चाहिए, अष्टांगिक मार्ग का पालन कर अगर करे आदमी ये दोनों चीज़ का, तो एक समाज बहुत अच्छा समाज बनेगा, ना उसमें चोरी होगी, ना डकैती होगी, ना हिंसा होगी, ना लोग झूठ बोलेंगे, ना व्यसन में रत होंगे, कहीं कुछ नहीं होगा, एक सुंदर समाज बनेगा जो महात्मा बुद्ध ने सोचा था, कल्पना की थी, वैसा समाज हमारा अभी भी बन सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आज के दिन में भी बुद्धवाद प्रासंगिक है, और अगर बुद्धवाद की जाए, पूरी दुनिया अगर बुद्ध को मानना शुरू कर दे तो युद्ध भी नहीं होगा। युद्ध इसलिए हो रहा है कि हम बुद्ध को नहीं मानते हैं, हिंसा हो रही है ना, युद्ध कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दूसरा ये कहूँगा, बुद्ध धर्म नहीं करके बुद्ध के विचारों के बारे में, उनमें 5 खूबियाँ हैं। इसमें न्याय है, समता का भाव है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व का भाव है, और करुणा है, करुणा का भाव है उनके विचारों में। अगर इन सभी विचारों को मान लिया जाए, इनको अपना लिया जाए जीवन में, तो फिर मैं कहूँगा कि जिसकी बात हम कल्पना करते हैं कि समाज में, विश्व के समाज में शांति होगी, प्रेम का भाव होगा, युद्ध का भाव होगा, तो ये साकार हो जाएंगे बुद्ध के विचारों को हम अगर अपने आप में आत्मसात करें, उनके विचारों को माने। The followup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in